अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आए मेरे जिगर के टुकड़ा, कैसे हैं तुम्हें सब लोग? सोचते हैं कि सब अच्छे मज़े में मस्त रहेंगे। मेरा तो हालत ख़राब है यहाँ, क्या नहीं, थोड़ा आराम नहीं। तो चलो आगे बढ़ेंगे। चलो फ्रेंड्स, निकलते हैं होटल से, ऐसी ब्रेकफास्ट कर लेंगे। ब्रेकफास्ट कर ले को बस स्टैंड गएंगे, बस पकड़ेंगे, बस पकड़ो, बस स्टैंड जाकर उधर से नेक्स्ट प्लेस गएंगे। तो चलो दोस्तों, मैं तुमने आज लेकर चलता हूँ श्रीरंगपटने के ज़मीन पर, जहाँ पर 17 वर्ष तक राज किए थे, देश के लिए लड़े, देश के लिए कुर्बान हो गए, हिंदुस्तान के लिए कुर्बान हो गए। उस शख्स का नाम है हजरत टीपू सुल्तान। हजरत टीपू सुल्तान को शेर मैसूर भी कहा जाता है। तो चलो, उनके वहाँ पर बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ देखिए, जैसा पहला जगह हमें चले जामिया मस्जिद, जहाँ उन्होंने खुद बंदे थे, उसके बारे में तो मैं हिस्ट्री बताता हूँ। तो चलो गएंगे। तो फ्रेंड्स, होटल आ गए नाश्ता करने, नाश्ता करेंगे, नाश्ता करके साइड में गएंगे, आज चढ़ेंगे, कौन से प्लेस तो थोड़ा ब्रेक लेंगे। ठीक है, तो अभी यह है टाइम है नाश्ता करने का। ठीक है, तो भूख बहुत लगी, नाश्ता करेंगे। तो मैं क्या करो, सिर्फ टाइम लैप्स का मजा लो। दोस्तों, मैं तुमने ले को चलता हूँ, कहाँ कहते हो, श्रीरंगपटने के जामिया मस्जिद, जो उसे मस्जिद आला भी कहा जाता है। तो चलो उसकी मैं तुम ना सैर कराता हूं। दोस्तों, ये मस्जिद तुम्हें देख रहे हैं, तो ये मस्जिद बोले तो सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ी और खूबसूरत दिखने वाली मस्जिद है ये। यहाँ पर देख सकते हो तुम्हें बड़े बड़े दो मीनारा हैं, कितने बड़े हैं देखो मीनारा। बाद में अंदर हुजूर के हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नौ अंदर नामा हैं, 9 names। हाँ, बाद में अल्लाह के 99 नाम भी हैं। बहुत अच्छी मस्जिद है, इसके अंदर मदरसा भी है, यहाँ पर बच्चों को दीन तालीम दिया जाता है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, जो खुद टीपू सुल्तान, हजरत टीपू सुल्तान उन्होंने बंधे थे। इस मस्जिद के दो बड़े बड़े मीनारा हैं, ये खासियत है, बहुत पुरानी मस्जिद। तो दोस्तों, मैं तुमने एक सच्ची चली सो घटना बताता हूँ, क्या होता है तो इस मस्जिद की पूरी तरह से तामील हो जाती, फुल रेडी हो जाती बन को। रेडी हुए बाद क्या होता है तो वहाँ बारी आती पहली इमामत कौन करेंगे कर को इस मस्जिद की। तो तामील भी हजरत टीपू सुल्तान होना, तो इस मस्जिद बना को रेडी करे रहते हैं। वहाँ एक पॉइंट आता, इस मस्जिद की पहली इमामत कौन करना कर को। तब क्या होता है तो पूरे सब जने बड़े बड़े आलिमा मुफ्ती साहबा तब वहाँ जमा हुए रहती, हजारों से लोग आए रहती। तब वहाँ हजरत टीपू सुल्तान उनके उस्ताद भी रहती, उस्ताद रहते हैं, उस्ताद क्या बोलते हैं, ऐलान करते हैं। ऐलान क्या करते हैं तो ऐसा कौन सा शख्स है जो आज तक एक वक्त की नमाज भी ना कजा करी होंगे, उन्होंने यहाँ की पहली इमामत करना कर को, ऐसा उन्होंने ऐलान करती है। तो वहाँ क्या होता है तो माहौल पूरा ठंडा हो जाता, की गए तो वहाँ पर कौन भी ऐसा शख्स नहीं थे जो पूरे 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। हाँ, वहाँ के वहाँ उनके उस्ताद भी क्या होते हैं, खामोश हो जाते हैं, क्योंकि तो उन्होंने भी आज तक कभी पूरे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे। पढ़ते थे लेकिन पूरे एक बोले तो ऐसा चुके हैं उन्होंने भी, लेकिन एक ही शख्स वैसे थे उस जगह में, कौन थे कहते तो वो शख्स जो हर 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, हजरत टीपू सुल्तान वही एक व्यक्ति थे जो 5 वक्त की नमाज पूरा पढ़ते थे। कब से कहते तो 7 साल से लेकर जब तक उनका इंतकाल होता, तब तक उन्होंने 5 वक्त पाबंद
नमाज पढ़ते थे, कभी एक वक्त नमाज भी कजा नहीं करे उन्हों, वहाँ बाद में सब खामोश हो जाती, उस्ताद उनको उठा को बोलती तुम्हें हजरत तुम्हें जब नमाज पढ़ा ना सके को तो तुम्हें एक वक्त नमाज भी कजा नहीं करे, पूरे पाँच वक्त नमाज पढ़ते थे अगर को उनको बोलते ही। बाद में क्या है उस मस्जिद की उन्होंने इमामत करते हैं, पहले वो मस्जिद आज कबूल है, वो मस्जिद आज कबूल है कि यहाँ पर टीपू सुल्तान उन्होंने इमामत करे थे। यह वो है वाक्या जो हजरत टीपू सुल्तान उनके इमामत के बारे में। अगर तुमने वीडियो का हिस्ट्री अच्छा लगा, इसकी मालूमत अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और क्या हो रहा है तो मेरे वीडियोस को सिर्फ 50-60 व्यूज आ रहे हैं, वो भी क्या है दोस्तों के फोन में देखो कर रहा हूँ, सो मैं देख तू तुम्हें थोड़ा क्या तो सपोर्ट देखो, इतना मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे साथ में सब क्या नहीं, इतना मेहनत कर रहा तो तुम्हें जरा सपोर्ट दिखाओ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।